अच्छा क्वालिटी है, पेपर क्वालिटी अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन है, एक अच्छा फील है कवर में देखने, अंदर भी देखने में। पढ़ूंगा, पूरा पढ़ूंगा और आई विल कम बैक टू यू। बट हैट्स ऑफ, एज अ पुलिस ऑफिसर यू आर अ ग्रेट राइटर एंड यू हैव डन सच अ ग्रेट थिंग, गिविंग ब्यूटीफुल मैसेज। ये ना हो कि इसमें मैं नहीं हूँ। रामलला का दर्शन पूजन किया आपने, आप एक साल के अंदर दूसरी बार अयोध्या, कैसे आपका मन बहला भगवान राम के दरबार में दोबारा आने का मौका लगा? सर, फर्स्ट टाइम जब मैं आया था उसी दिन हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए थे, तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस था और अंदर आने के लिए भी थोड़ा और दो ही रास्ते थे, तो वहाँ से लेके गया। उस वक्त जब मैं आया था मैं टेम्पल को पूरे एंगल में नहीं देखा, मैं तो टेम्पल के बाहर देखा, लेकिन टेम्पल को एक ही एंगल में देखा और टाइम भी नहीं था। लेकिन जब वहाँ जब मैं देखा भी, मैंने वो जो आर्किटेक्चर का जो डिज़ाइन है और उसका वर्कमैनशिप है और अंदर सीलिंग के ऊपर भी जो है वो बहुत पसंद आया। तो नेक्स्ट डे मैंने फिर वापस चल गया। अभी मैं जब आया तो देखा है तो आर्किटेक्चर का इन्वॉल्वमेंट उतना अच्छा है, छोटे छोटे वो अभी आप क्लोजअप में अगर वो पिलर के ऊपर जो स्कल्पटिंग किया है उसको आप देखे ना, उसमें उतना एक्सप्रेशन भी है, खाली एक एक फिगर नहीं है, फिगर में एक्सप्रेशन है, उसमें एक मीनिंग है, उसमें एक कहानी है। और उसका वर्कमैनशिप बहुत मुश्किल है, मुझे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू इट। और फिर ओके, पिलर का है ऊपर भी ऐसा किया है, तो बहुत ज़बरदस्त है, ऊपर भी सीलिंग के ऊपर भी किया है। एंड बाहर अभी जो उतना एरिया है तो एरिया में उनका प्लानिंग है कि एक्सटेंशन है उसका, जो जितना भी पब्लिक आएंगे तो उसको कैसे मेंटेन करना। और सबसे बढ़िया ये बात है कि बहुत क्लीन है, गलीज नहीं है, मेंटेन कर रहे हैं वो, वैसे ही मेंटेन करना पड़ेगा। हम भी पब्लिक भी जाके उधर गलीज नहीं कर रहा, वो मेंटेन कर रहे हैं तो हम भी मेंटेन कर रहे हैं। और टोटली वो जो अंदर जाते हैं, बाहर का जब है वो अलग एटमोसफियर होते हैं, अंदर जब हम जाते हैं उसमें एक अच्छा पॉजिटिव फीलिंग है, एक अच्छा फील है। जब ऊपर देखते हैं वो मंदिर का टॉप देखते हैं अच्छा फील होता है। अंदर जाने के बाद जब हम मूर्ति को देखते हैं, वो मूर्ति का रूप को देखते हैं, उसका जो अलंकार होता है वो बहुत मिसमेरेजिंग है। आज मैं सुबह गया तो उसमें ये फ्लावर डेकोरेशन नहीं था, उसके बाद में गया फ्लावर डेकोरेशन, उतना फ़र्क है फेस में, वो चमत्कार है, एक फीलिंग है, अच्छा फीलिंग है। और 100% इसमें कुछ पावर है, थोड़ा इसमें थोड़ा कॉन्सनट्रेट करना है। एंड जो राम का भक्त है उनके बारे में तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनका मालूम है कि क्या है। एंड ये जो कंट्रीब्यूशन किया है, ये इतना बड़ा टेंपल, इसका वर्कमैन क्राफ्टमैनशिप जो है ना, वो सब लोगों को मेरा नमस्कार। सर, आज दो बार आपने भगवान राम का दर्शन किया? दो बार किया, मेरा मौका दो बार। पूछे लो कि शाम को भी एक चांस है देखने के लिए, बोला ठीक है जाऊँगा देखूँगा। तो मैं लकी हूँ ना, कभी कभी लोगों को इधर आने के बाद भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, वापस चल जाते हैं। भगवान का दर्शन करना है तो हमें बहुत लक होना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद होना चाहिए। कभी कभी एक बार, कभी कभी दो बार, कभी कभी आने के बाद थोड़ा लेट होता है, कभी कभी प्रॉब्लम आते हैं वापस चल जाते हैं, ऐसे बहुत लोगों को होता है। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, कल रात हुआ, आज रात हुआ, कल आज सुबह हुआ, सो आई एम वेरी हैप्पी। घर को जा रहा हूँ मैं, वेरी वेरी हैप्पी विद लॉर्ड रामस ब्लेसिंग। सर, भगवान राम के सामने जब आप पहुँचे तो कैसा अनुभव कर रहे थे, क्या उनसे? सर, ये क्या होता है ना, ये थोड़ा मेच्योरिटी में आता है, और अगर बोलने में से वो लोगों को मालूम नहीं होगा, एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। जब हम जाते हैं उधर मेडिटेट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन फोकस देखते हैं, ऐसे देख के हम जो मेडिटेट करते हैं, फोकस करते हैं, तो उसमें एक व्हाट यू कॉल एक ट्रैवल होता है, एक कनेक्शन ट्रैवल होता है कि हम भगवान से कुछ बात करते हैं, मन में बात करते हैं। ओके, पूजा होता है जब मंत्र बोलता है और आरती दिखाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन साइलेंट मेडिटेशन में जब हम देखते हैं और इन्वॉल्व करते हैं, उसमें अलग फील होता है। शायद उधर पूजा करके करके उधर पूरा पॉजिटिव एनर्जी हो गया, क्योंकि डे एंड नाइट उधर पूजा हो रहा है और लोग मंत्र में श्लोकास बोलते हैं, वो बोलते हैं, देयर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव वाइब्रेशन इनसाइड द टेम्पल। एक पावर, अलग पावर है, वो पूरा कॉन्सेंट्रेशन को उधर खींचता है, डाइवर्शन नहीं होगा। ये तो एक्सपीरियंस में आता है, फर्स्ट टाइम जो जाएंगे हो सकता है नहीं हो सकता है। मुझे तो उधर जाने से एक अलग कॉन्सेंट्रेशन होता है भगवान फेस को देखने में, ऐसे ही मिनिमम 3-4 मिनट ऐसे ही देखता हूँ, क्योंकि बाद में बहुत भीड़ रहता है
तो थ्री फोर मिनट्स फुल कॉन्सेंट्रेशन, मेरा कॉन्सेंट्रेशन भगवान के ऊपर होता है सर। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, वो अलग एक्सपीरियंस है सर। क्या भगवान राम के ऊपर आपने काफ़ी फिल्में बना रखी हैं, क्या अयोध्या के भगवान रामलला के मंदिर के ऊपर या रामलला के ऊपर कुछ विचार चल रहा है आपको अयोध्या में लेकर करके? नहीं, अभी क्या है कि डिवोशनल पिक्चर अभी कम ले रहे हैं क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है साउथ में, नॉर्थ में तो हो रहा है। तो अगर साउथ में कुछ प्रोड्यूसर आया, उसमें पैशनेट रहना चाहिए और अगर कुछ कर रहे हैं और मेरा इसमें कोई काम है तो ज़रूर मैं करूँगा, अगर कुछ मौका मिलेगा तो ज़रूर करूँगा। एंड और भी इसको डेवलप करने के लिए, और भी इसका जो सैंक्टिटी है उसको भी और भी डेवलप करने के लिए मेरा पूरा कोऑपरेशन मिलेगा, ज़रूर मिले। सनातन को लेकर के लगातार लोग टिप्पणी करते रहते हैं, कैसे देखते हैं इसको? सर ये है सर, ये फोर्स करके ये करना मुझे पसंद नहीं है सर। ये जो रिलीजन के बारे में होता है तो हमारा रिलीजन को प्रोटेक्ट करना चाहिए और दूसरा रिलीजन के बारे में हम कमेंट नहीं करना चाहिए। जो कमेंट करते हैं अभी बहुत हो रहा है सर, इसीलिए मैं ये सोचता हूँ कि आई थिंक इट इज़ हाई टाइम एक रिलीजन का एक बिल को पास करना है, रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रिलीजन का बिल, मतलब केवल हिंदू नहीं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी रिलीजन है वो प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसको मिसयूज़ कर रहे हैं कुछ लोग, कमेंट कर रहे हैं और जो यूथ होता है उन लोगों का माइंड को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं क्या बोला, एक बिल पास करते हैं तो अच्छा रहेगा, मतलब बिल पास करना जरूरी है। नहीं ये तो मैं बिल खाली हिंदुओं को लेने ना, हाँ सभी रिलीजियस बिल सब रिलीजन को, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख पारसी जैन बुद्धिस्ट सब लोग एप्लीकेबल होगा, खाली हिंदुइज्म के लिए। बात की जाए रिलीजन, राजनीति की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस रूप में देखते हैं आप, कैसे मानते हैं? सर डेफिनेटली सर, आज अगर भारत सेफ है तो डेफिनेटली प्रधानमंत्री मोदी जी के वजह से ही है। आप बॉर्डर में देखो इसराइल और गाजा, और एक बॉर्डर में देखो यूक्रेन रशिया, अफगानिस्तान को तालिबान अभी ले लिया, म्यांमार में प्रॉब्लम था, उसके पहले श्रीलंका के नीचे उधर प्रॉब्लम था, बांग्लादेश का प्रॉब्लम है, आज पूरा वर्ल्ड में वॉर चल रहा है। रोज़ अगर आप न्यूज़ में आप देखें ना 20,000 to 25,000 पीपल आर बीइंग किल्ड। इंडिया इज़ द सेफेस्ट कंट्री सर, हैट्स ऑफ टू मोदी जी। और मैं जो मिलिट्री लोग हैं जो बॉर्डर में बैठे हैं उनका परिवार को छोड़ के हमारा परिवार के लिए वो जो रक्षा कर रहे हैं उनको मैं उसका नमस्कार कर रहा हूँ। दे आर द रियल हीरो सर, जो आर्मी होगा, एयरफोर्स होगा या नेवी होगा, उसके बाद हमारा पुलिस का लोग है जो रक्षा कर रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हमारा देश को रक्षा कर रहा है, जो हमको रक्षा कर रहा है, उनका रक्षा करना हमारा फ़र्ज़ है। तो अगर ड्यूटी में वो लोग सोल्जर्स या पुलिस लोग कुछ ऐसा कोई हमारे लिए एक बुलेट चेस्ट में लेके या कोई बॉम्ब ब्लास्ट में जाए, अच्छा कॉम्पनसेशन देना, 5 crores कॉम्पनसेशन देना, क्या क्या इसके लिए हमें एक्सक्रेशिया देते, घर देना है, एजुकेशन, बच्चों का एजुकेशन, मेडिकेशन, काम, टॉप प्रायोरिटी उसको देना, क्योंकि इससे बड़ा प्रायोरिटी क्या है सर। और नर्सेज जो है हॉस्पिटल में, जो कोरोना का टाइम में हम रिलेशन भी साइड में नहीं आने के लिए था, वो लोग आके काम करके बहुत लोग मर गए, वो हमारा रिलेशन नहीं है, हमारा कास्ट नहीं है, हमारा कम्युनिटी नहीं है, केवल जॉब प्रोफेशन, उन लोगों का स्पेशल स्टेटस मिल रहा है। ये जो हमारे लिए जो काम कर रहे हैं उनका फैमिली को छोड़ के कर रहे हैं, एनीबडी इंक्लूडिंग किसान, किसान लोग उस टाइम में काम नहीं किया था तो हम क्या कहेंगे सर। वो लोग हैं कोरोना का टाइम में, वो लोग तो कोई हिंदू मुस्लिम के लिए ऐसा कोई प्रायोरिटी नहीं करते, वो सब लोग खुश रहने के लिए करते। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ मोदी जी, आप इन लोगों जो रियल हीरोज़ है जो हमारा देश को ऐसा रक्षा कर रहे हैं, उनका रक्षा। अगले एक्चुअली सम टाइम बैक एक वायरल वीडियो आया था, एक आर्मी सोल्जर वो रो रहा था कि उसका जो गांव में उसका ज़मीन था वो बेचारा खरीदता, वो कुछ माफिया लोग आके उसको कब्जा कर लिया, इट्स वेरी बैड, उनको पनिश करना, हैवी पनिशमेंट देना। हमारा देश को वो रक्षा करता है, उसका भूमि को रक्षा करने के लिए हम नहीं कर सकते, दिस इज़ वेरी बैड। अब इंस्पिरेशन नहीं होगा आर्मी के जाने के लिए, इंस्पिरेशन नहीं होगा, इसीलिए मैं सब लोगों को मिलिट्री, पुलिस, किसान लोग एंड डॉक्टर्स नर्सेज जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, एनी बडी जो लाइफ का सपोर्ट दे रहे हैं उनका हमारा सपोर्ट होना चाहिए। और मोदी जी करेंगे, ज़रूर ज़रूर करेंगे। सो मोदी जी का जो एंट्री है था
टेररिज्म बंद हो गया, टूरिज्म बढ़ गया. मोदी हैज मॉडिफाइड इंडिया, नो डाउट अबाउट इट सर. हैट्स ऑफ टू मोदी सर. थैंक यू सर. आप भगवान राम की नगरी में लगातार दूसरी बार आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको राम नगरी आने से? मैंने एक्चुअली जनवरी 22 को आया था, उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, तो बहुत सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था वो तो हमको मालूम है, लेकिन फिर भी मुझे सेम 22 उधर दर्शन मिला. मोदी जी उनका प्रोग्राम हुआ, इमिडिएटली मुझे पुलिस लोग लेके गए और मैंने देखा, लेकिन उस वक्त थोड़ा भीड़ ज़्यादा था तो जल्दी जल्दी पूरा देख के मैं आ गया. फिर शाम को रात को और एक दर्शन मिला रात में, लेकिन फिर भी उधर भी बहुत भीड़ था, तो मैं अगले दिन वहाँ से निकल के चल गया. तो मंदिर को, अयोध्या को आने के लिए हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब हमारा शूटिंग जो भी है इसके लिए वन डे जर्नी, फिर वन डे प्रोग्राम, वन डे जर्नी, तीन दिन रखना है. लास्ट टाइम मेरा दोस्त चंद्रशेखर जी जो तिरुमला बैंक चेयरमैन है हैदराबाद का, उन्हें पूरा प्लान किया. इस बार भी उन्हें प्लान किया, उन्हें इन्वाइट किया. इस बार उसका फैमिली आया था, लास्ट टाइम फैमिली नहीं आया था. तो इस बार जब मैं आया और मैंने देखा तो लास्ट टाइम से अभी बहुत चेंज है, मतलब कंस्ट्रक्शन जा रहा है, इधर उधर थोड़ा बाकी है, लेकिन फर्स्ट टाइम से अभी और भी बेटर है. एंड ये जो दर्शन का जो प्रोसेस है वो भी अच्छा, जैसे हमारा तिरुपति में जैसे होता है वैसा कुछ टाइमिंग्स और VIP के लिए, और मतलब क्योंकि कुछ सेलिब्रिटीज़ आते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पब्लिक से प्रॉब्लम होता है, मतलब प्रॉब्लम मतलब हमारा प्रेजेंस उधर उन लोगों को प्रॉब्लम होता है, इसीलिए थोड़ा VIP लाइन में या कोई ऐसा कोई टाइमिंग्स में आ रहे हैं हम. अच्छा है, इम्प्रूवमेंट अच्छा है. और इसके अलावा लास्ट टाइम अभी 6 महीने में बहुत डेवलपमेंट देख रहा हूँ, पूरा अयोध्या में बहुत डेवलपमेंट देख रहा हूँ. कुछ कुछ जगह में एक्चुअली लास्ट टाइम आया था, लेकिन इस बार जब हम वही गली में जा रहे थे थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि यही है या और कोई दूसरा है क्यों. ओके, फिर मालूम है कि वो पूरा डेवलपमेंट हो गया, बहुत स्पीड डेवलपमेंट हो रहा है, और मेरा ख्याल से अगले 2 के अंदर अयोध्या एक बहुत बड़ा सिटी होगा, पिलग्रिमेज सिटी होगा, प्लस एक बिजनेस भी सेंटर भी होगा, क्योंकि बहुत लोग इधर इन्वेस्ट करेंगे बोल के आ रहे हैं. मेरा दोस्तों है उन सब लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, प्लस ये पिलग्रिमेज सिटी बोल के बहुत लोग आ रहे हैं साउथ से, लेकिन थोड़ा साउथ का लोग को थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो ये थोड़ा एक प्रॉब्लम है. तो लोग उधर क्या बोल रहे हैं वो लोग क्लियरिटी नहीं है, थोड़ा वही वो बाद में शायद वो भी क्लियर हो जाएगा. बट ऑन द होल भारत देश के लिए ये बहुत बड़ा ये इश्यू है, अयोध्या इश्यू जो क्लियर हो गया, और हिंदूज के लिए मोदी जी ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है. बहुत साल से पेंडिंग था, लेकिन टाइम लिया, क्लैरिटी ये किया, कोर्ट में इसका जजमेंट आ गया, और अभी सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्रेड, हिंदूज के लिए एक अच्छा प्रेड. सर, हिंदू की बात कर रहे हैं, अभी संसद भवन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हिंदू को लेकर करके बहुत कमेंट किया, उसको कैसे देखते हैं आप? सर, मैं एक ही बात करता हूँ, इंडिया को एक अलग एंगल में देखना है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट और भी है, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट रिलीजन और कम्युनिटी से, तो ये कैस्ट है, तो बहुत कैस्ट है, बहुत लैंग्वेजेस है. तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सर, इंडिया को ऐसे ही छोड़ दो, इसे डिस्टर्ब मत कीजिए, हम जैसे हैं वैसे ही हम रहेंगे. बीच में क्या होते हैं कभी कभी ये पॉलिटिकल इलेक्शंस आने के टाइम में हिंदू लोग भी कुछ बात करते हैं जो अपोजिट साइड को हर्ट करते हैं, वो कुछ बोलते हैं, ये पूरा पॉलिटिकली है पूरा. मैं तो यही सोच रहा हूँ कि हम एक्चुअली सब लोग मिलके हैं पूरा काम में, नहीं तो फैमिली फ्रेंड्स ऐसे, ये ऐसे इलेक्शन टाइम में ही ये स्पीच आता है, हर्ट स्पीच आता है, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, खाली अट्रैक्ट करने के लिए और उस वक्त वोट कुछ पकड़ने के लिए करते हैं, उसके बाद कुछ भी बात नहीं करते, छोड़ देते हैं, वही मिस्टेक है. करना है तो करो, लास्ट तक करो, बीच में क्यों छोड़ते हैं आप, वो अच्छा नहीं हुआ. और मैं मेरा एक ही ड्रीम है कि
इंडिया में, इंडिया शुड बी द ओनली कंट्री जो पूरा लैंग्वेजेस कैस्ट कम्युनिटी फ्री रहेंगे, जिसका मर्जी है उसका। अभी थोड़ा कुछ लोग कन्वर्शन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनका मर्जी है। अगर उनको एक और एक रिलीजन पर फेथ है, ठीक है, करो। मैं मेरा हिंदुइज्म को मैं कंटिन्यू कर, मैं यही बोल रहा हूँ, ठीक है, आप बोलो एक रिलीजन जहाँ पे अगर मैं फॉलो किया कि मैं 500 साल में रहूँगा, है क्या? नहीं है। सूरज है, चांद है, सितारों है, किसका है? थोड़ा सब लोगों के लिए, ये जो हवा है सब लोगों के लिए। तो वही फाइट अननेसेसरी क्रिएट, आपका फेथ जो है रखो, मेरा फेथ है वो मैं रखूँगा। सब लोग कोरोना के टाइम में सब लोग मर गए, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन पूरा मर, तो फिर कहाँ है आपका रिलीजन? क्या हुआ, क्यों ऐसे हुआ? ये सवाल जवाब नहीं है, तो इसलिए क्यों बेकार है? लेट अस ऑल लिव टुगेदर हैप्पीली पीसफुली। हमारा देश है, एक्चुअली हमारा देश बॉर्डर में पूरा झगड़ा हो रहा है, इसराइल, यूक्रेन, पाकिस्तान, बांग्लादेश पूरा है। तो हम सब लोग मिलके यूनाइटेड वी शुड विन एंड डिवाइडेड वी विल लूज। सर अगर बात की जाए, आप अभिनेता हैं, सुपरस्टार हैं सर, अयोध्या या भगवान राम पे फिल्म बनाने का मौका मिले तो कैसे देखते हैं? मैंने ऑलरेडी राम का रोल किया है सर जी, जिसका नाम है श्री रामदास मूर्ति। वो अभी करके कम से कम 20 इयर्स हो गया। तेलुगु में हमारा मेन जो डिवोशनल रोल करते हैं वो जी ग्रेट एनटीआर था। उसके बाद 2-3 ले किए, लेकिन उतना अच्छा क्लिक नहीं हुआ, ये पिक्चर क्लिक हुआ। मैंने तिरुपति श्री बालाजी का रोल किया है और श्री सत्यनारायण स्वामी जो सत्यनारायण व्रतम बोलते हैं वो किए। आज तेलुगु फील्ड में एनटीआर जी के बाद अगर कोई भगवान का रोल है या कोई ऐसा है तो फर्स्ट मुझे ही पूछते हैं। अगर मेरा डेट्स का प्रॉब्लम या और कोई प्रॉब्लम है फिर सेकंड चॉइस के लिए जा रहे हैं। लॉर्ड रामा का रोल करने का एक मौका था, वैसे पिक्चर भी बहुत अच्छा हिट हुआ, म्यूजिकल हिट भी हुआ, तो वो मौका भी मिलना भी भगवान का आशीर्वाद है, सब लोगों को नहीं मिलता है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। सर 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा हुई थी, जिसको लेकर के अभी गृह मंत्रालय ने एक सूचना जारी की, उस दिन संविधान को लेकर करके हम काला दिवस मनाएंगे, इसको कैसे देखते हैं? कैसे सर, मुझे एक्चुअली उसका इनसाइड स्टोरी तो पक्का मालूम नहीं है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्शंस है जी, तो इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि पक्का वर्शन है और अच्छा ये है तो मैं बात कर सकता हूँ टॉपिक में, सो आई डोंट वांट टू डिस्कस। ओके।